Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. ऐसे आप सब friends और किस किस ने ईद की preparation कर ली? गोरे बकरे। Yes, आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि हम लोग अपने एरिया में विजिट करने गए हैं कि किस किस ने कुर्बानी के जानवर ले लिए और किसने अब तक नहीं लिए। तो हमने तो अब तक लिए नहीं है, तो अभी देखेंगे। यहाँ पे मिनाहिल खिला रही है बकरे को पौधे। वैसे तो अगर नीचे पड़े होते हैं तो बकरे खाते ही नहीं है, हाथ से दें तो ऐसे चटर पटर करके खाते। अब मैं भी ट्राई करता हूँ कि खाते हैं नहीं। ओ ये तो खाने लग गया, लगता है ऐसे मेरे हाथ के अच्छे लग गए, बड़ी मजेंगे होंगे है ना। दूसरी तरफ और भी दो बकरे खड़े हुए थे, हम उनके पास नहीं गए। मुझे लग हमें तो डर लग रहा था क्योंकि वो दोनों इतनी लड़ाई कर रहे थे, लग रहा है सिंग मार देंगे अभी। अभी हम आ चुके हैं गाय के पास। यहाँ पे मिनाहिल तो डरपोक बनी हुई थी और मुझे भी डर लग रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मैं आ गया सामने, मगर पता नहीं उसे मेरे ख्याल खाना नहीं पसंद आ रहा, तो इसलिए हमने कहा छोड़ दो उसे, फिर हम कैमल के पास ही चले गए। अब यहाँ पे आएगा कैमल। अब हम निकल गए हैं कैमल को ढूंढने। और ये देखिए वाओ कितने प्यारे सनफ्लावर्स हैं, मुझे तो सनफ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे अब तक कैमल तो आया नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि हम कल आएंगे कैमल को देखने। एंड हियर वी गो। अब हमें मिल ही गया कैमल। कितना बड़ा कैमल है, पहले तो हम इतना डर रहे थे उसके पास जा ही नहीं रहे थे। फिर ये हुआ कि और बच्चे भी आ गए और वो उनको खाना खिलाने लग गए। फिर हमने कहा चलो हम भी खिलाते हैं, उन्हें नहीं मार रहे तो हमें क्यों मारेंगे। तो फिर हमने खाना भी खिलाया और उन्हें हाथ भी लगाया। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अच्छा तो अब मैं कैमल को खिलाने लगा हूँ। पहले तो कैमल थोड़ा नाराज़ था, ऐसा लग रहा था पता नहीं किसी से लड़ाई करके आया, खा ही नहीं रहा था। फिर अचानक पता नहीं उसने सोचा यार खा ही लेता हूँ, बड़ा भूख लग रही है थोड़ा सा खाना ही पड़ेगा, तो उसने अचानक खाना शुरू कर दिया। तो हम इतना खुश हुए, फिर हम ला ला के सिर्फ कैमल को ही खिलाएं और किसी को हम खिला ही नहीं रहे थे। और अब ये कैमल मिस्टर तो बड़े मज़े से खा रहे हैं। अब तो मिनाहिल भी खिला रही है, वैसे डर नहीं रही मिनाहिल देखें। अब मिनाहिल ने सोचा कि मैं उसे प्यार कर लेती हूँ, तो प्यार करने की तैयारी। अरे रुक जा, वाह भाई उसे मारा भी नहीं, प्यार भी कर लिया है, बड़ा अच्छा कैमल है ये तो। वाह भाई वाह, मार भी नहीं रहा, इतने मज़े मज़े से खा रहा है ये तो। फिर मैंने भी टच कर लिया। यहाँ पे ये लड़की गाय को तंग करने लग गई, उसे पता नहीं मज़ा क्यों इतना आ रहा था। मैं और मिनाहिल भी देख के इंजॉय करने लग गए, हमें मज़ा आ रहा था। वो गाय अपनी दुम हिलाई जाए, मुझे तो लग रहा था अभी इसने गाय ने ऐसे दुम उठानी है, उसके मुंह पे जाके लगनी है, लेकिन पता नहीं बच गई। कैसे बची ये नहीं पता। फिर हम चले गए कैमल को खिलाने, वो भी फिर ये करती रही। फिर आखिरकार गाय ने सोचा कि मैं खड़ी हो जाती हूँ, ये लोग तो मुझे तंग ही करते रहे। उसको इतना गुस्सा चढ़ गया कि वो खड़ी हो गई। अब अच्छा तो ये उसका भाई है और हमने सोचा कि हम कैमल को खड़ा करते हैं, और उसकी जो बहन थी वो भी कह रही थी खड़ा करें। तो फिर वो अब कैमल खड़ा करने वाला है, देखना कैसा फन होगा। ओफ हम ऐसे कोई डरे हैं जैसे कि कैमल हमें ही हमला कर दे। कैसे करा हुआ है? आ
आज तो हमें कैमल और काऊ के साथ बहुत मज़ा आया, वी एंजॉयड अ लॉट। और अब आप एंड में देखेंगे किसने बहुत डिफरेंट कुर्बानी के जानवर लिए हैं। वो देखो वो रे, वो रे दिख नहीं रहे, इतने छोटे बकरे। मैं तो आपके साथ फन कर रहा था, ये बकरे नहीं है, ये तो हैन है। आपने कभी पहले ऐसी हैन देखी? नहीं। मैं तो देखी है। ओके गाइस, आज हमने आपको दिखाए थे बहुत सारे कुर्बानी के जानवर। अगर आपने ले लिए हैं कुर्बानी के जानवर तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन बाय बाय।